अगर आप सोच रहे हो एक नया लैपटॉप खरीदने की या फिर अपने पुराने डेस्कटॉप के लिए एक नया सीपीयू खरीदने की और यहाँ पे दोनों साइड बाय साइड सीपीयूज को आप कंपेयर कर रहे हो, मान लीजिए आप मार्केट में गए हो, दो सीपीयूज को आप सिर्फ उनका क्लॉक स्पीड देख के कंपेयर कर रहे हो, या फिर दो डिफरेंट लैपटॉप्स हैं, दो डिफरेंट लैपटॉप्स की जो सीपीयूज है उनकी सिर्फ क्लॉक स्पीड देख के आप उनका परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सीपीयू का परफॉर्मेंस सिर्फ उनका क्लॉक स्पीड से डिफाइन नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर सीपीयू का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे दोनों सीपीयूज को कंपेयर करना चाहिए और किस किस फैक्टर पे एक सीपीयू का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमोजीत, आप देख रहे हैं कि सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्लॉक स्पीड टर्म आप सुनते हो या फिर है क्या। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि सीपीयू के अंदर बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। सीपीयू एक जाइगेंटिक सर्किट है, इस सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये जो सारे के सारे ट्रांजिस्टर है ये यहाँ पे वर्क करता है एज ए स्विच, ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होके जो सारे के सारे प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करता है। तो एक सीपीयू में जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर होगा वो सीपीयू उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, और सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर पाएगा एट ए टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिस्टर है सीपीयू के अंदर वो एज ए स्विच वर्क करता है। तो स्विच का क्या काम रहता है, ऑन होना या फिर ऑफ होना। एक स्विच का दो स्टेट है, ऑन या फिर ऑफ। तो यहाँ पे एक स्विच का ऑन और ऑफ, एक बार ऑन हुआ उसके बाद वो ऑफ हो गया। तो ये जो स्विच का दो अलग अलग स्टेट्स है इनको हम एक साथ वन साइकिल बोलते हैं, मतलब कि एक साइकिल में एक स्विच एक बार ऑन होगा और एक बार ऑफ होगा। आप समझ पा रहे हो? तो अगर एक स्विच एक सेकंड में 10 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है तो यहाँ पे उस स्विच का फ्रीक्वेंसी हम 10 हर्ट्ज बोल सकते हैं या फिर 10 हर्ट्ज बोल सकते हैं, या फिर उस स्विच का क्लॉक है 10 हर्ट्ज ऐसा भी बोल सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो एक स्विच एक सेकंड में कितने बार ऑन ऑफ हो रहा है उसी को उस स्विच का क्लॉक रेट या फिर क्लॉक स्पीड कह सकते हैं। अगर एक स्विच एक सेकंड में एक बार ऑन ऑफ होता है तो उस स्विच का फ्रीक्वेंसी है या फिर उसका क्लॉक रेट है 1 हर्ट्ज। अगर एक स्विच एक सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है तो उस स्विच का फ्रीक्वेंसी है या फिर उस स्विच का क्लॉक स्पीड है 100 हर्ट्ज। तो आपको पता चल गया। तो सीपीयू के अंदर भी सिनेरियो बिल्कुल सिमिलर है। सीपीयू के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजिस्टर जितने बार एक सेकंड में ऑन ऑफ हो सकते हैं उसी को उस सीपीयू का क्लॉक स्पीड या फिर क्लॉक रेट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सीपीयू का क्लॉक रेट है 3 गीगाहर्ट्ज, तो यहाँ पे उस सीपीयू के अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो एक सेकंड में 3 बिलियन टाइम्स ऑन ऑफ हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक सीपीयू का जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा वो सीपीयू उतना ही जल्दी डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, इतना तक सुन के आपको ये लग रहा होगा तो सीपीयू के क्लॉक स्पीड से ही तो सब कुछ डिफाइन हो रहा है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सीपीयू का क्लॉक स्पीड सब कुछ डिफाइन नहीं करता है। नहीं, आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ आप सोच के देखिए, आज से 10 साल पहले जो सीपीयूज आते थे उसका भी क्लॉक स्पीड या फिर क्लॉक रेट अराउंड 3 गीगाहर्ट्ज होता था, 2.83 इतना होता था। और आज की डेट में जो सीपीयूज आ रहे हैं कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 3.2, 3 गीगाहर्ट्ज, 2.8 गीगाहर्ट्ज भी होता है। तो क्या हमने इस 10 साल में कोई तरक्की नहीं की? ऐसा नहीं। बेसिकली सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो सिर्फ एक पैरामीटर है, वो सिर्फ सीपीयू की स्पीड को डिफाइन करने का सिर्फ सिंगल एक तरह का पैरामीटर है। अलग अलग और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद सुना भी होगा, वो है IPC यानी कि इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो पुराने सीपीयूज होते थे आज से 10 साल पहले उसका IPC शायद काफ़ी कम था, पर आज की डेट में जो सीपीयूज है इसका IPC ज़्यादा है, मतलब कि वो एक क्लॉक में एक सिंगल क्लॉक में वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को ले सकता है और उसका आउटपुट दे सकता है। मान लीजिए आज से 10 साल पहले एक पर्टिकुलर सीपीयू की IPC था 1, मतलब कि वो एक सिंगल क्लॉक पे एक ही इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता था। आज की डेट में एक पर्टिकुलर सीपीयू की IPC है 10, मतलब कि वो एक सिंगल क्लॉक पे 10 अलग अलग इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो नए सीपीयू है इसका फ्रीक्वेंसी है 2.8 गीगाहर्ट्ज और जो 10 साल पहले का सीपीयू था उसका फ्रीक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज। तो आप थोड़ा सा सोच के देखो कि कौन सा सीपीयू फास्ट है।
जो नया सीपीयू है ये ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, पर ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक प्रोसेस कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में आईपीसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं किसी अगले वीडियो में आपको आईपीसी के बारे में समझा दूंगा, इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक के बारे में किसी अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्लॉक स्पीड बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए दो डिफरेंट सीपीयूज हैं, दो डिफरेंट सीपीयूज में सब कुछ सेम है क्लॉक स्पीड के अलावा। मान लीजिए उसका कैश मेमोरी सेम है, उसका आर्किटेक्चर सेम है, उसका कोर काउंट सेम है, उसका थ्रेड सेम है, तो यहाँ पे अगर किसी सीपीयू का क्लॉक स्पीड ज़्यादा है तो वो सीपीयू ज़्यादा पावरफुल है। मान लीजिए एक सीपीयू में है 3 GHz, दूसरे में 3.2 GHz, तो जो दूसरा सीपीयू है वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर सारे के सारे पैरामीटर सेम है तभी, सारे के सारे पैरामीटर्स अगर बिल्कुल सेम है तभी यहाँ पे क्लॉक स्पीड डिपेंड करता है। एक और चीज़ भी है जो कि ओवरक्लॉकिंग। तो अगर क्लॉक स्पीड मायने नहीं रखता, मैं जैसे आपको बता रहा था, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर क्लॉक स्पीड मायने नहीं रखता है तो ओवरक्लॉकिंग का सीन ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं, ओवरक्लॉकिंग करने से आपका सीपीयू ऑब्वियसली तेज़ दौड़ेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर सकता है, वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। पर यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती है जिनके बारे में शायद आपको पता होगा। हीटिंग होती है, उसके साथ साथ उसका पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और सीपीयू का लाइफ भी कम हो सकता है अगर आपने उसको प्रॉपरली कूलिंग नहीं दिया है। और उसके साथ साथ स्टेबिलिटीज़ की इश्यूज़ भी होती है, अगर आप ठीक से उसको ओवरक्लॉक नहीं करोगे तो स्टेबिलिटीज़ की इश्यूज़ भी होती है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है ओवरक्लॉकिंग, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। पर हाँ, ओवरक्लॉक करके सीपीयू का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना पॉसिबल है। अब मान लीजिए एक सीपीयू है जिसको ओवरक्लॉक करके उसका क्लॉक रेट को आप 3 GHz से 3.2 कर रहे हो, तो इस 0.2 GHz के लिए वो सीपीयू इतना ज़्यादा गर्म होगा कि आपको उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कूलिंग खरीदना पड़ेगा। और एक सीपीयू मान लीजिए 3 GHz पे चलता है पर वो उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है, जो जिसमें आप 3.2 GHz की क्लॉक कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। जो 3 GHz वाला प्रोसेसर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा पर बिल्कुल इक्वल काम करेगा। यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट किसका बढ़ रहा है? दूसरे सीपीयू का जो 3.2 में चल रहा है। इसकी वजह से इसमें पावर लॉस हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है, और इसमें एफिशिएंसी भी मेंटेन है जो 3.0 GHz में चल रहा है उसमें एफिशिएंसी भी मेंटेन हो रहा है और आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसके बारे में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ अभी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है सीपीयू की परफॉर्मेंस एक और चीज़ पर वेरी करता है, वो है आप अपने कंप्यूटर में किस तरह के हार्डवेयर लगा रहे हो, सीपीयू के अलावा कितने रैम लगा रहे हो, उसका उस रैम का फ्रीक्वेंसी क्या है, उस रैम वो जो पर्टिकुलर रैम है उसका लेटेंसी क्या है, उसके साथ साथ आप SSD लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, आप GPU कौन सा लगा रहे हो, आपका ग्राफिक्स कार्ड कितना पावरफुल है, ग्राफिक्स कार्ड में भी रैम कितना है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपका जो CPU है उसका परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप दो साइड बाई साइड CPU को कंपेयर कर रहे हो तो आपको सारे के सारे चीज़ों को सेम रखना है, मतलब कि जो भी अदर्स हार्डवेयर है उनको आपको बिल्कुल सेम रखना है, उसके बाद आप दो CPU को कंपेयर कर सकते हो उनके बेंचमार्क से, उनके रियल लाइफ परफॉर्मेंस से, उनका क्लॉक स्पीड देख के, क्लॉक रेट देख के, या फिर उसका कोर काउंट देख के, कैश मेमोरी देख के, ये सब देख के आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको कंपेयर करना पड़ेगा बेंचमार्किंग रिजल्ट को देख के, और बेंचमार्क सिर्फ एक चीज़ में नहीं, अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि वीडियो एडिटिंग में कैसा है, गेमिंग में कैसा है, अलग अलग गेम्स में कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ में आपको बेंचमार्क देखना पड़ेगा। उसी के बाद आप डिसाइड कर सकते हो, हाँ ये CPU ज़्यादा पावरफुल है, ये CPU उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो आपको सर समझ में आ रहा होगा कि बेंचमार्किंग ही असली चीज़ है। सीपीयू में जो भी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है वो तो है, ठीक है, पर स्पेसिफिकेशन को देख के हम दो डिफरेंट सीपीयूज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप दो डिफरेंट सीपीयूज़ में कन्फ्यूज़ हो तो आप इंटरनेट पर जाइए, अलग अलग आर्टिकल पढ़िए, अलग अलग बेंचमार्किंग रिजल्ट्स को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको दो डिफरेंट सीपीयूज़ में चूज़ करना है, कौन सा आपके लिए सही है। और एक और बात है जो मैं बताना भूल गया, वो है कि एक पर्टिकुलर सीपीयू शायद किसी फील्ड में बेटर परफॉर्म करता हो, किसी दूसरे फील्ड में उतना बढ़िया परफॉर्म ना करता हो। मैं भी मान लीजिए इंटेल की एक सीपीयू है, वो सीपीयू ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जैसे काम में, और AMD की एक पर्टिकुलर सीपीयू है जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे काम में उतना बढ़िया नहीं है, वो गेमिंग में बढ़िया है,
वो गेमिंग में अच्छी तरीके से वर्क करता है, पर जो इंटेल का सीपीयू है वो गेमिंग में उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे भी होता है, तो आपका काम कैसा है उसके हिसाब से आपको एक सीपीयू खरीदना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।